हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जून। आज के वीडियो में हम लोग TMBU यूनिवर्सिटी का सेशन 2021 से 24 वालों का पार्ट थर्ड का पेपर 8 का इंग्लिश ऑनर्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं कि क्वेश्चन जो है सजेशन से कहाँ तक मैच किया जो हम सजेशन दे रखे थे उससे, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव भी इस वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग को रजिस्ट्रेशन के टाइम ना पेपर 8 में ना 3 ऑप्शन दिया जाता है सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए, जिसमें कि एक रहता है 19th सेंचुरी फिक्शन, एक रहता है अमेरिकन इंग्लिश, और एक और रहता है इंडियन लिटरेचर रहता है। तो उसमें से ना आपको 19th सेंचुरी फिक्शन चूज़ करना है, क्योंकि हम जो प्रिपरेशन करवाते हैं 19th सेंचुरी फिक्शन का ही करवाते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो 19th सेंचुरी फिक्शन का ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं आगे किस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ लिखा हुआ है आंसर यानी 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी, कि सेक्शन सी जो सी से जो है 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, एंड सेक्शन ए बी डी आर कंपलसरी। और जो सेक्शन ए बी डी है ना वो कंपलसरी है, इट मीन्स वो सबको करना है। ठीक है, लेकिन सेक्शन सी से सिर्फ 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए का देख लेते हैं कि सेक्शन ए में क्या आया हुआ है। पेपर 8 में जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का आता है, आप लोगों को साइड में 16 लिखा हुआ है इस वजह से। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस द मेजर ट्रेंड्स इन 19th सेंचुरी इंग्लिश फिक्शन, और इसी के और में आया हुआ है राइट ए नोट ऑन फीमेल कैरेक्टर्स इन मेजर विक्टोरियन नॉवेल्स, मतलब विक्टोरियन पीरियड में जो भी नॉवेल्स लिखा गया ना उसमें कौन कौन सी प्रमुख फीमेल कैरेक्टर्स थी उसके बारे में लिखना था। तो शायद ये क्वेश्चन पहली बार इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो नंबर 1 वाला क्वेश्चन है ना, ये मेजर ट्रेंड्स इन 19th सेंचुरी फिक्शन, वो हम प्रिपेयर करके जाने बोले थे सजेशन में, और हम आप लोग को बता दिए थे कि 19th सेंचुरी इंग्लिश फिक्शन आ जाए या फिर विक्टोरियन पीरियड इंग्लिश फिक्शन आ जाए या फिर विक्टोरियन पीरियड इंग्लिश नॉवेल्स आ जाए, नॉवलिस्ट आ जाए, सबका आंसर सेम होगा, क्योंकि एक तो 19th सेंचुरी वाले पीरियड को ही विक्टोरियन पीरियड कहा जाता है और फिक्शन को ही नॉवेल कहा जाता है। और नॉवेल्स के बारे में पूछे तो आप नॉवलिस्ट के बारे में लिखोगे कि कौन कौन से नॉवलिस्ट हैं, कौन सा प्रमुख नॉवेल है। तो बस थोड़ा सा हेडिंग चेंज करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि क्वेश्चन में जो हेडिंग यूज़ किया गया आपको वो हेडिंग यूज़ करते हुए आंसर देना है। ठीक है, तो चाहे 19th सेंचुरी फिक्शन आ जाए या फिर विक्टोरियन पीरियड इंग्लिश फिक्शन आ जाए, दोनों का आंसर सेम होगा, बस हेडिंग चेंज करना होगा आपको। ठीक है, आंसर लिखते टाइम तो यहाँ पे ये नंबर 1 वाला ऑप्शन तो अच्छे से मैच कर गया, तो कंफर्म है आप लोग ये वाला ऑप्शन तो बनाए ही होंगे। नंबर 1 से एक क्वेश्चन जो हम रिकमेंड किए थे वो मैच कर गया। अब हम लोग सेकेंड वाला देख लेते हैं कि सेकेंड में सेक्शन बी में क्या रखा है। सेक्शन बी यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन बी भी कंपलसरी था तो आप लोग को इसका आंसर भी देना ही है। अटेम्प्ट ए क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ आइदर द मॉडल मिलेनियल या क्रिटिकल एप्रिशिएशन बोल रहा है और द इनकम टैक्स मैन का बोल रहा है। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है आप लोग को 16 मार्क्स के लिए। तो हम इसमें से ना 3 आप लोग को बोले थे सेकेंड नंबर के लिए, कि 3 आप लोग को प्रिपेयर करने के जाना है। सबसे पहले था कमेलियन और सेकेंड ही था द इनकम टैक्स मैन। तो अगर आप लोग द इनकम टैक्स मैन जो कि हम सजेस्ट किए थे कि पढ़ के आप लोग को जाना है वो पढ़ के गए होगे ना, तो कंफर्म तो ये सेक्शन बी वाला भी क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दिए होगे। द इनकम टैक्स मैन मैच कर गया है, और इसी के और में दिया गया है इवेल्युएट एंटन पी चेकोव एज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये तो रिकमेंड नहीं किए थे लेकिन एक मैच कर ही गया तो वो आप अच्छे से लिखे होगे। तो ये 2 नंबर वाला भी जो है मैच कर ही गया है। अब हम लोग सेक्शन सी से देखेंगे। स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े थे कि सेक्शन सी से जो है 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, इसमें आप लोग को 5 या 6 क्वेश्चन दिया होगा। तो देख लेते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ। पहले आया है राइट ए नोट ऑन ग्रोथ एंड चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ साइलास मार्नर, इवेल्युएट द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ साइलास मार्नर। तो दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। हम बोले थे कि आप लोग समरी प्रिपेयर करके जाओ, और कुछ ना समझ आए तो समरी लिख सकते हो, क्योंकि एक बुक से ना मतलब ट्विस्ट करके 10 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्योंकि 10 तरह का क्वेश्चन याद करना मुश्किल हो जाता है ना, तो एट द एंड आप समरी लिख देते हो तो आपको ठीक ठाक सा मार्क मिल जाएगा। और TMBU यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना कि आप कितना अच्छा लिख दो, मतलब होता है ना जो क्वेश्चन पूछा उसी के अकॉर्डिंग आंसर भी दे रहे हो, सारा कुछ कोशिश कर रहे हो, अच्छे से दिखे, सब कुछ ध्यान में रख रहे हो ना, फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको जो मार्क्स है वो 75% प्लस आ जाएगा, 78-79 या 80% आ जाएगा। मतलब हमेशा वो एवरेज मार्क्स देते हैं, इसलिए हम हमेशा आप लोग को बोलते हैं मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, कुछ ना समझ में आए तो एट द एंड समरी लिख दो। समरी लिख के भी स्टूडेंट लोग जो है 75% मार्क्स, 73-72% मार्क्स ला रखा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अगर एक्सेप्ट करोगे कि आपको 80% आ जाएगा तो शायद आज तक तो वो लोग 80% मार्क्स नहीं दे रखे हैं जो भी TMBU के प्रोफेसर हैं इंग्लिश ऑनर्स में, जो हम 3-4 साल से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि एट द एंड आप लोग कोई भी बुक है उसका समरी जरूर प्रिपेयर करके जाओ, कि कोई क्वेश्चन ना मिले तो समरी लिख दो। 4 में इसी में आया हुआ है डिस्कस द सेंट्रल थीम ऑफ ए टेल ऑफ टू सिटीज़ का सेंट्रल थीम बोला है।
लिखने के लिए, तो ये तो हम बताए थे इंपॉर्टेंट है, बट हम इस पर वीडियो नहीं अपलोड कर रखे थे। और इसी के और में है, इवेलुएट डिकेंस एज ए नॉवलिस्ट विथ रेफरेंस टू ए टेल ऑफ टू सिटीज़। तो इसमें आप ए टेल ऑफ टू सिटीज़ का आप अगर थीम प्रिपेयर करके गया होगे, क्योंकि हम सजेशन में रिकमेंड किए थे, तो वो लिख सकते थे। नहीं तो आपको हम बोले थे कि समरी आप आराम से लिखो, आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये वाला सेक्शन भी कन्फर्म आप लोग अच्छे से किए होगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम फिफ्थ नंबर में। फिफ्थ नंबर में आ रखा है डिस्कस वुदरिंग हाइट एज ए गॉथिक नॉवल। वुदरिंग हाइट को एज ए गॉथिक नॉवल डिस्कस करने बोला है। और इसी के और में है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हेथक्लिफ। हेथक्लिफ का कैरेक्टर स्केच पूछा है। ठीक है, ये हम बोले थे कि अगली बार के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, बट हम नो डाउट पे वीडियो अपलोड नहीं किए थे, बस वुदरिंग हाइट के समरी पे वीडियो अपलोड है। ठीक है, तो ये 16 मार्क्स का है आया हुआ है और ये सजेशन से मैच कर ही गया। कुछ ना समझ आए तो हम हमेशा बोलते हैं आप समरी लिख सकते हो, आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अब सिक्स नंबर में, राइट ए नोट ऑन हार्डीज़ फिलोसफी ऑफ लाइफ एज यू फाइंड इन टेज ऑफ डी अवर विलेज। और इसी में है क्रिटिकली एग्जामिन हार्डीज़ आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन इन टेज ऑफ डी अवर विलेज। तो ये हम टेज वाले से नहीं बोले थे ये सब प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि तीन ही एग्जाम में आपको लिखना है और स्टार्टिंग का तीन, मतलब एक सैलाश मारनर, एक टेल ऑफ टू सिटीज और वुदरिंग हाइट जो है वही हम रिकमेंड किए थे, तो वो तीन तो मैच कर ही गया है। बाकी का हम लोग आगे भी क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद सेवन नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, वेलवेट हेनरी जेम्स एज ए साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट। हेनरी जेम्स को एज ए साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट डिस्कस करना है। इसी में स्केच द कैरेक्टर ऑफ लैम्बर्ट स्ट्रेटर। लैम्बर्ट स्ट्रेटर का कैरेक्टर स्केच डिस्कस करना है, तो ये हम नहीं बता रखे थे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ऑलरेडी बोले कि इसमें छः क्वेश्चन दिया हुआ है, छः में से आपको सिर्फ तीन ही डिस्कस करना है। तो स्टार्टिंग का ही हम तीन बता रखे थे कि सैलाश मारनर से प्रिपेयर करके जाओ, टेल ऑफ टू सिटीज से प्रिपेयर करके जाओ, वुदरिंग हाइट से प्रिपेयर करके जाओ। उसके बाद इसी के एट नंबर में, मतलब सबसे आखिरी क्वेश्चन, छठा जो क्वेश्चन आ रखा है वो आ रखा है डिस्कस द थीम ऑफ सीन एंड सेल्वेशन इन द स्कारलेट लेटर। स्कारलेट लेटर में सीन ऑफ सेल्वेशन वाले थीम को डिस्कस करने बोला है। और इसी के और में है स्केच द कैरेक्टर ऑफ हेस्टर प्राइम। हेस्टर प्राइम का कैरेक्टर स्केच बोल रखा है। टोटल आप लोग को हम बता दें कि कौन कौन सा छः क्वेश्चन अब की बार पूछ रखा है, जिसमें से आपको सिर्फ तीन ही सॉल्व करना है। अब सेक्शन डी आता है, सेक्शन डी के लिए लिखा हुआ था कि सेक्शन डी कंपलसरी है, वो आप लोगों को कन्फर्म करना ही है सारे स्टूडेंट्स को। तो सेक्शन डी में आ रखा है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग टू टेंस या 20 मार्क्स का, मतलब ऑब्जेक्टिव आ रखा है। 10 ऑब्जेक्टिव है जो कि जिसमें कि हर ऑब्जेक्टिव 2-2 मार्क्स का है। ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा है और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव है ना वो प्रीवियस ईयर से ही रिपीट करता है, और पेपर 8 के प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करवा के हम दो वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो उस वीडियो से आप पेपर 8 के ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कर सकते हो। देख लेते हैं हम लोग अब कैसा ऑब्जेक्टिव आ रखा है। हाउ मैनी नॉवेल्स डिड एमिली ब्रॉन्टी रोट, कि एमिली ब्रॉन्टी जो है वो कितनी नॉवेल्स लिख रखी है। तो सही ऑप्शन जो है 1 होगा। एमिली ब्रॉन्टी सिर्फ एक ही नॉवल लिख रखी है जो कि वुदरिंग हाइट है, जो कि आप लोग के सिलेबस का ही है। उसके बाद इसी के बी में है विच आर टू सिटीज़ मैंशन इन ए टेल ऑफ टू सिटीज़, मतलब आप लोग के सिलेबस में जो स्टोरी है ए टेल ऑफ टू सिटीज़, उसमें कौन कौन से दो सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी करता है, लंदन एंड पेरिस के बारे में डिस्कस किया गया है। तो बी का सही ऑप्शन लंदन एंड पेरिस हो जाएगा। सी में है कैथी इज द डॉटर ऑफ, कैथी जो है किसकी डॉटर रहती है, तो सी कैथी जो है कैथरीन की डॉटर रहती है। सी का सही ऑप्शन सेकेंड वाला हो जाएगा। डी में है चिलिंग्सवर्थ इज ए कैरेक्टर इन, कि चिलिंग्सवर्थ जो है वो किसमें कैरेक्टर है, तो द स्कारलेट लेटर का कैरेक्टर है चिलिंग्सवर्थ। तो डी वाले से जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब बाकी का हम लोग आगे देख लेते हैं। ई में आ रखा है हु इज नोन एज द वेसेक्स नॉवलिस्ट, वेसेक्स नॉवलिस्ट के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो सही ऑप्शन हार्डी हो जाएगा। थॉमस हार्डी को वेसेक्स नॉवलिस्ट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद एफ में है एंटन पी चेकोव इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, कि कहाँ से है एंटन पी चेकोव जो है ना वो शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो वो कहाँ से बिलोंग करते, तो वो रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो एफ का सही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रशियन। उसके बाद जी में आ रखा है द इनकम टैक्स मैन हैज़ बिन रिटन बाय, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। द इनकम टैक्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो मार्क टविन के द्वारा लिखा गया है जी नंबर वाला। तो अभी तक जितना भी हम लोग ऑब्जेक्टिव देखे हैं सारा इजी आ रखा है। जी के बाद हम लोग देख लेते हैं एच में है चेरी ऑर्चर्ड इज ए शॉर्ट स्टोरी बाय, कि चेरी ऑर्चर्ड जो है वो किसकी शॉर्ट स्टोरी है, सही ऑप्शन हो जाएगा एंटोन पी चेकोव की शॉर्ट स्टोरी है। एपी इज ए कैरेक्टर इन, एपी जो है किसमें कैरेक्टर है, तो सैलाश मारनर की कैरेक्टर रहती है एपी। तो यहाँ पे 9th वाला ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, सबसे आखिरी ऑब्जेक्टिव बच रखा है नथेनियल हॉथरोन बिलोंग टू, नथेनियल हॉथरोन जो ऑथर है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ के ऑथर हैं, तो वो अमेरिका के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव जो है खत्म हो गया, और जो 10 ऑब्जेक्टिव था पेपर 8 का काफ़ी ईजी आ रखा था, प्रीवियस ईयर से ही रिपीट कर रखा था और बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं दिया था।
तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पेपर एट का जो एग्ज़ाम है इंग्लिश ऑनर्स का आप लोग का कैसा रहा, कितने ऑब्जेक्टिव सही हो रखे हैं आपके एग्ज़ाम में। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट जो आप लोग का एग्ज़ाम है पेपर फाइव का होने वाला है, पेपर फाइव का जितना भी टॉपिक हम सजेशन में रिकमेंड किए हैं वो सारा हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन भी अपलोड है, अनसीन प्रोज और पोइट्री जो आता है उस पर भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, सब आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और कुछ नहीं मिलता है तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको लिंक भेज देंगे उस वीडियो का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।